तो यूपी में अयोध्या में लता चोकनू उद्घाटन करवामां आव्युं छे। भारत रत्न लता दीदी ने आ रीते श्रद्धांजलि पीएम मोदी आपी छे। आपणे जणावीए के लताजी तेमना सुरुथी दुनिया ने जोड़ी होवानी प्रतिक्रिया पीएम मोदी आपी अने लताजी ना श्रद्धांजलि रूपे तेमणे आपणी विरासत पर आपणे गर्व होवानी वात पण कही हती। अने अयोध्या नी अंदर लता चोकनु उद्घाटन तेमणे कर्युं छे अने साथोसाथ लताजी ने याद कर्या अने आ रीते तेमणे श्रद्धांजलि अर्पण करी। अयोध्या में लता चोकना उद्घाटन की साथोसाथ पीएम मोदी खास लता दीदी ने याद कर्या अने तेमणे कह्युं के विश्वनी समग्र धरोहर हती अने तेमने मारू नमन। आजी की आवाज में इन्हें सुनकर अनेकों देशवासियों ने भगवान राम के दर्शन किए हैं। हमने लता दीदी के स्वरों की दैवीय मधुरता से राम के अलौकिक माधुर्य को अनुभव किया है और साथियों, संगीत में ये प्रभाव केवल शब्दों और स्वरों से नहीं आता। ये प्रभाव तब आता है जब भजन गाने वाले में वो भावना हो, वो भक्ति हो, राम से वो नाता हो, राम के लिए वो समर्पण हो। इसलिए लताजी द्वारा उच्चारित मंत्रों में, भजनों में केवल उनका कंठ ही नहीं बल्कि उनकी आस्था, आध्यात्मिकता और पवित्रता भी गूंजती है। साथियों, लता दीदी की आवाज में आज भी वंदे मातरम का आह्वान सुनकर हमारी आंखों के सामने भारत माता का विराट स्वरूप नजर आने लगता है। जिस तरह लता दीदी हमेशा नागरिक कर्तव्यों को लेकर बहुत सजग